हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली एंड स्पेसिफिकली मैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी रिलेटेड ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोगों ने मेरे को डीएम्स किए थे इंस्टाग्राम पे, और मेरे जो पुराने वीडियोस हैं यूनिवर्सिटी के उस पर भी बहुत सारे कॉमेंट्स किए थे कि यूनिवर्सिटी कैसा है, कैंपस कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसे है, क्योंकि ये अभी जो हमारे यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो रहा है वो ऑल इंडिया बेस हो चुका है, तो इसीलिए जाहिर सी बात है आप लोग का बहुत सारा क्वेरीज है, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी जब उड़ीसा में 6 साल रह के आई हूँ उस टाइम मेरा भी बहुत सारा क्वेरीज था, बट जो भी आप लोग का मेजर क्वेश्चन था वो सब मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को बता देती हूँ, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जानना कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी कैसा है एंड फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है। सो मैं अभी मेरा कॉपी लेके आती हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। और मैं अभी शुभम के घर आई थी और मेरा वीडियो शुभम ही ले रहा है, तो ये मैंने इधर कुछ क्वेरीज लिख लिया है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। शुभम के साथ मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि शुभम को एडमिशन रिलेटेड कुछ बहुत सारी चीजें पता है जो मुझे पता नहीं है। तो पहले एडमिशन रिलेटेड जो क्वेरीज था वो ये था कि काउंसलिंग तो खत्म हो गया ना? काउंसलिंग नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो गया है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो गया और 3 तारीख को एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग का फैसिलिटी? रुक रुक मैं दिखा देती हूँ तुझे इधर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हे गाइस, सो शुभम से थोड़ा सा एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हम लोग पूछ लेते हैं, तो तुम जो भी पता है आपको बता दीजिए मेरे दर्शकों को। पहले तो एडमिशन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो सबको पता है, वो 27 को खत्म हो गया है। 3 तारीख को एक नया डेट आया है जो कि काउंसलिंग और एडमिशन का है। उसी दिन आपका शायद एक और मेरिट लिस्ट निकलेगा, उस हिसाब से काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने के बाद 5 बजे के अंदर आपको पैसा, मतलब जो एडमिशन फी है, वो सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन ना, तभी आपका एडमिशन कंफर्म होगा। उसके बाद आपका आपका क्लास जब से स्टार्ट होगा उसका भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपके एडमिशन प्रोसेस होने के बाद दूसरा एक सेकंड लिस्ट आएगा, उस हिसाब से फिर से एडमिशन होगा। 9 तारीख से मोस्टली क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। 9 तारीख से मोस्टली क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर द जूनियर्स, आवर जूनियर्स और सीनियर्स को। 2000 years later. तो आप लोगों ने सुन लिया शुभम ने जो बोला है, एडमिशन रिलेटेड जो क्वेरीज था आई गेस आप लोग को क्लियर हो गया होगा। 3 तारीख को आप लोग को पैसा दे देना है और 9 तारीख से आप लोग का मोस्टली क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, वो भी मैं टेंटेटिव डेट्स बता रही हूँ, उतना हमको भी नहीं पता है। एंड आप लोग जो इतना सारा क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे खुद यूनिवर्सिटी के बारे में उतना कुछ डिटेल्स में नहीं पता, वो भी मैं पूछ पूछ के आप लोग को रिप्लाई करती हूँ, मतलब मेरे जो दोस्त लोग को पता है उनको पूछ पूछ के बताती हूँ। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स में जानना है, आपको हर एक चीज का डिटेल्स आपके मेल में मिल जाएगा। आप मेरे डिपार्टमेंट के बारे में बोल रहे हो? अच्छा, अभी जो मेजर और एक क्वेश्चन था वो था प्लेसमेंट्स रिलेटेड। सी, दिस इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यहाँ आप उतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटी है। तो इस साल का मुझे एकदम भी आइडिया नहीं है, बट इतना साल का जो रिकॉर्ड हम लोगों को पता चला है वो एवरेज ही था, उतना कुछ हाई भी नहीं था, लो भी नहीं था, मीडियम सॉर्ट ऑफ एवरेज एक परसेंटेज का प्लेसमेंट्स आते हैं। और मोस्टली आप अगर खुद से ढूंढोगे तो वेल एंड गुड। तो यस, दो जो टॉपिक था वो मैंने कवर कर लिया, अभी जल्दी जल्दी बाकी सब करती हूँ। हॉस्टल्स के बारे में बहुत लोगों ने पूछा है। सी, आई डोंट स्टे इन हॉस्टल, हम लोग सब अपने अपने घर में रहते हैं, तो क्योंकि आप लोग आउटसाइड ऑफ त्रिपुरा से आ रहे हो तो आप लोग को हॉस्टल या फिर पीजी में ही रहना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत सारा ऐसा आप लोग को घर मिल जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, पीजी हॉस्टल्स वगैरह, तो वो आपको थोड़ा सा क्वेरी करना है लोकल लाइफ को पूछ पूछ के। और एक है हॉस्टल फी, मुझे तो नहीं पता, बट पर मंथ जो हॉस्टल फी अभी का है वो है 1200 विद मेस फूड। एक रूम है हॉस्टल का, उसमें 3 बेडेड है, शायद 3 बेडेड रूम है, तो वो भी उतना डिटेल्स में मुझे नहीं पता, बट ऐसे एक टेंटेटिव चीजें बता रही हूँ। और हाँ, आप लोगों में से बहुत पूछा है कि कैंपस कैसा है, सो कैंपस रिलेटेड ढेर सारा व्लॉग्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप लोग चाहे तो वो क्लिक करके देख सकते हो, ऊपर नीचे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आई बटन पे आ रहा होगा, आप लोग वो देख लेना, कैंपस ऑटोमेटिकली आप लोग को खूबसूरत लगेगा। और यस, ऑल द बेस्ट। और हाँ, कैंपस में 3 कैंटीन्स है, एक अमूल का आउटलेट है उसमें चाय कॉफी स्नैक्स टाइप का मिल जाता है, दूसरा है सेंट्रल कैंटीन, उसमें राइस वगैरह फिर मैगी नूडल्स वगैरह वगैरह जो भी है वो सब मिल जाएगा, अफोर्डेबल ही है, उतना तो कुछ हाई फाई नहीं रखते। और आईएमडी बिल्डिंग पे एक कैंटीन है, उसमें भी आपको बहुत कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो 3 आपको खाने का जो जगह है वो कैंपस के अंदर ही मिल जाएगा, बाकी तो लोकल मार्केट्स है ही सामने।
और एक चीज जो मुझे कवर करना था वो था कि यूनिवर्सिटी का जो ड्रेस कोड है, सो कोई भी डिपार्टमेंट का ड्रेस कोड नहीं है सिवाय दो, जो है मेरा डिपार्टमेंट एमबीए डिपार्टमेंट और है फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट. सो एमबीए डिपार्टमेंट का जो ड्रेस कोड है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मिल जाएगा या फिर मैं इधर पिक्चर ऐड कर दूंगी. और ऑब्वियसली मेरे पुराने ब्लॉग्स जो देखे हो उनको दिखाई होगा. बीबीए और एमबीए का अलग अलग ड्रेस कोड है. हाँ, बीबीए का थोड़ा ब्लू में है और हम लोग का लाइट पिंकिश शेड में है. एकदम पिंक नहीं है, एकदम लाइट पिंक जो है वो आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा. और एक चीज जो आप लोगों ने पूछा था, मोड ऑफ लैंग्वेज कौन सा यूज होता है यूनिवर्सिटी में, सो मोस्टली इट्स इंग्लिश 90%, 5% आपका हिंदी हो जाता है और 5% बंगाली में अगर कभी कभार मन करता है. मोस्टली इंग्लिश में ही होता है मेरे डिपार्टमेंट में, बाकी सारा डिपार्टमेंट का मुझे नहीं पता. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एमबीए डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर, अभी इंटर्नशिप खत्म होगा तो सेकेंड ईयर में ऑफिशियल उठ जाएंगे. और हाँ, आप लोगों का क्वेरी था कि मलयाली बोलते हैं ना, मलयाली जो साउथ के स्टूडेंट्स है उनका बहुत सारा क्वेरीज था कि साउथ नहीं पूरे इंडिया के, पूरे इंडिया का. शुभम को भी बहुत सारा मैसेज आया है तो आए दिनों इधर उधर से मैसेज आ ही रहा है, तो मैं सोची कि जो भी कवर कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ. तो आप लोगों का क्वेरी था कि आउटसाइड स्टूडेंट कितना है डिपार्टमेंट में, सो अकॉर्डिंग टू अस इट्स नेग्लिजिबल, मतलब 1% और 2%, हार्डली. एक फैकल्टी थे हमारे जो पीएचडी स्कॉलर थे वो थे बांग्लादेश से और एक थे बिहार से, और तो कोई नहीं था ना, और कोई नहीं था तो. हमारे बैच में कोई नहीं था. हाँ, हमारे डिपार्टमेंट में कोई नहीं था, बट बाकी सारे डिपार्टमेंट में आसाम के फिर दूसरे दूसरे स्टेट्स के आते, मतलब आते हैं. आसाम से भी बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था, तो मुझे तो नहीं पता आप लोग में से कितना लोग एडमिशन ले रहे हो, बट आप लोग को ऑल द बेस्ट कि आप लोग आ रहे हो यूनिवर्सिटी. मैंने ये क्या लिखा, होटल्स क्या क्या है, होटल्स क्या अवेलेबल है, होटल्स के बारे में तो कुछ नहीं पूछा था, होस्टल्स या होटल पता नहीं. मैंने जो लिखा मैं खुद ही से कंफ्यूज हो गई कि क्या लिखा. लोकल जो शॉप्स है उधर आपको जब आप कुछ खरीदारी करने जाओगे तो डेफिनेट सी बात है आप लोग न्यू हो तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा, बट मोस्टली आप लोग को अगर हिंदी आता है तो उनसे हिंदी में बात करो तो आई गेस इट विल बी इजी. इंग्लिश में शायद ही उनको समझ आएगा, बट आप लोग ट्राई करना. और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं तो हूँ ही, मेरे इंस्टाग्राम पे जितने लोगों ने भी डीएम किया है मैंने ऑलमोस्ट सबको रिप्लाई कर दिया है. और इतना तो मेरे पास भी मतलब टाइम नहीं है, अभी शुभम के घर आई हूँ इंटर्नशिप का काम करने, सो मैं सोचू कि 5 मिनट का जल्दी जल्दी वीडियो बना देती हूँ तो आप लोग के लिए भी यूज होगा, मेरे लिए भी यूज होगा. तो आई गेस मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द जूनियर्स. आई रियली होप कि नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा मेरे डिपार्टमेंट में. और थैंक्स टू शुभम, वो भी आया था, आके थोड़ा बहुत बताया है एडमिशन रिलेटेड जो भी था. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय, टेक केयर.